पिछले 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और 15-20 सबसे अमीर लोगों की वो सरकार चला रहे हैं। आए थे, आपसे वायदा किया था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, किसान को सही दाम दूंगा। 5 साल हो गए, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। उल्टा 15 लोगों का उन्होंने 5,55,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। और यहां आप जानते हैं, जो पहले आपको मिलता था, मनरेगा मिलता था, वो भी बीजेपी के लोगों ने बंद किया। तो पिछले 5 सालों उन्होंने आपके साथ, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ, कमजोर लोगों के साथ अन्याय किया है। और अब कांग्रेस पार्टी आपको न्याय देना चाहती है। जो 5 साल उन्होंने आपका नुकसान किया, जो 5 साल उन्होंने आपका नुकसान किया, उस बात को मैं स्टेज से पहचानता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं इस बात को मानता हूं कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के आदिवासियों का नरेंद्र मोदी ने किया है। और अगर 5 साल आपके साथ अन्याय हुआ है तो अगले 5 साल आपके साथ न्याय होना पड़ेगा। जो आपके जेब में से छीना गया उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और मैं आपके जेब में डालेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कैसे करा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख की बात की, किसी को नहीं दिया। यहां कोई है जिसको 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी ने दिया हो? कोई है एक आदमी औरत जिसको नरेंद्र मोदी ने दिया? नहीं। चौकीदार चोर है। अब देखिए, 5 महीने पहले, और ये बात हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं आपको बहुत अच्छी लगेगी, 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, सीनियर नेताओं को बुलाया और उनसे कहा, देखिए मैं एक काम करना चाहता हूं। मुझसे पूछते क्या काम करना चाहते हो? मैंने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान में करोड़ों गरीब लोग हैं, वो दिन भर काम करते हैं और देश की जो सरकार है वो उनकी मदद नहीं कर रही है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का झूठ बोला, मैं हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान के आदिवासियों को मैसेज देना चाहता हूं कि 2019 के बाद जो सरकार बनेगी वो आपकी सरकार होगी। मैंने उनसे पूछा, देखिए एक बात बताइए, पता कीजिए, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला, मैं आपसे नंबर चाहता हूं, लंबा भाषण नहीं, किताब नहीं, एक नंबर। उन्होंने मुझसे पूछा कौन सा नंबर? मैंने उनसे बोला मुझे वो नंबर चाहिए जितना पैसा मैं हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डाल पाऊं हर महीने। जाइए काम कीजिए, 3-4 महीने बाद आइए मेरे पास, मुझे एक नंबर दे दीजिए, मैं जनता को वो नंबर बताऊंगा और वही नंबर उतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में हर साल डालूंगा। If you like this video, beg a like, comment, share, and subscribe.